Okay, students, so we are just really talking about topic liquid solids, and in this chapter 4.72 हम properties की बात कर रहे थे covalent crystals के, और अब हम बात करेंगे structure of diamond के, जो कि एक covalent solid है, right? बल्कि covalent giant molecular solid है. You can just say that कि diamond जो है वो एक macromolecule है, बहुत बड़ा molecule है. Why it's a very big molecule? Because you can use the word the entire diamond crystal behaves as a huge giant three dimensional carbon molecule, right? So that's the words ये last में लिखे हुए हैं. So what I'm talking to explain you that over here. कि ये sp3 हाइब्रिड मॉलिक्यूल है. जैसे एक s कार्बन की चार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर शेल में, और समथिंग लाइक 1s2 2s2 2px 2py 2pz एक एक इलेक्ट्रॉन इनमें होता है और एक यहां से शिफ्ट हो जाता है. सो यू कैन जस्ट से दैट कि दीज आर द आउटर शेल, सेकेंड आउटर शेल होता है, उसमें चार ये हाइब्रिड हो जाते हैं एंड बिकम्स sp3 हाइब्रिड. ये आपको हाइब्रिडाइजेशन का थोड़ा पता होना चाहिए, ये आप पढ़ेंगे आगे जाकर थोड़ा सा. व्हेन यू जस्ट टॉक अबाउट समथिंग लाइक बॉन्डिंग चैप्टर है उसमें बात करेंगे, ठीक है. हाइब्रिडाइजेशन, तो sp3 हाइब्रिड मॉलिक्यूल होता है जी कार्बन का, राइट. और sp3 हाइब्रिड का मतलब है कि एक s और तीन p ऑर्बिटल आपस में they make a shashalik, they make a mixture and they become sp3. sp3 mein you can just say that 75% character jo hai wo p ka hota hai aur 25% character jo hai wo s ka hota hai. So that makes the theory. Aur you can just sense it out like this ke ab ye s hai aur ye p hai, and you can just sense it out again like this, s hai aur ye p hai, s hai aur ye p hai, and s hai aur ye p hai, and that's something like the structure I'm talking about here. Look at that. इसमें ये जो एक कार्बन है और दूसरा कार्बन है, इसके दरमियान जो एंगल होता है 109.5 डिग्री का होता है, ठीक है. और यू कैन जस्ट से दैट कि अब जो एक कार्बन है उसका दूसरे कार्बन के साथ जो फासला है, लेट्स से दैट इधर भी अब नेक्स्ट ये एक कार्बन है एंड जस्ट गॉट द सेम स्ट्रक्चर अगेन, यहाँ पे भी कार्बन है, लेट्स से दैट, राइट. तो अब ये कार्बन है और ये भी कार्बन है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज 154 पिकोमीटर, राइट. तो जो बॉन्ड लेंथ है वो 154 पिकोमीटर है, जो बॉन्ड एंगल है 109.5 डिग्री है. ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है. और स्टूडेंट्स, आगे मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ कि जो यू कैन जस्ट से दैट दैट्स समथिंग लाइक एक कार्बन है जो सिमेट्री अपनी बना रहा है, तो दूसरा भी इसके साथ यू कैन जस्ट से दैट कि दूसरा कार्बन भी अटैच होगा इन द सेम मैनर. लाइक यू कैन जस्ट सेंस इट आउट लाइक दिस कि यहाँ पे भी अब एक कार्बन जो है वो अटैच हो जाएगा, और यहाँ पे भी एक कार्बन है जो अटैच हो जाएगा, यहाँ पे भी एक कार्बन है जो अटैच हो जाएगा, और इनकी सिमेट्री भी फिर वैसे ही आगे चलेगी, राइट. इनकी सिमेट्री भी वैसे ही आगे चलेगी एंड दे विल शो द स्ट्रक्चर, एंड इस तरह एक द फ्लावर विल बी देयर एंड टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर, टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर जो है वो बनता चला जाएगा. दैट्स द सिंपलेस्ट फॉर्म जो मैंने आपको फिलहाल सामने बनाई है. यू कैन जस्ट वॉच इट ऑन द पेज नंबर 104, यहाँ पर आप देख सकते हो. There we have the picture, right? The structure of a diamond crystal, right? और इसके अंदर जो ये बातें कर रहे हैं कि how the structure of diamond looks like and what I can make you explain कि sp3 hybrid होता है. जैसे अभी sp3 orbital है और ये दूसरा भी sp3 orbital है, और ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, hybrid हो रहे हैं, मिल रहे हैं. और इस तरह से you can just say that कि the things goes on, और you can just say that कि in the last you can use the word face centered cubic structure आपको मिलेगा, right? In the end you can just talk about this structure, this is face centered cubic structure, face centered cubic structure of diamond, aur is tarah ka aapko ek structure mil jayega, and that's the structure of diamond, and that is the topic of my discussion for explanation of the of the diamond structure. So I really wish aapko yahan se jo hai wo kafi kuch idea mila hai ki kaise jo hai a diamond exist karta hai structurally, और टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर भी आपके सामने मैंने आपको ये ड्रॉ करके दिया, इसको आप कॉपी कर सकते हैं एंड यू कैन राइट 5 or 6 लाइंस अबाउट दिस टॉपिक एंड यू कैन गेट 2 मार्क्स फ्रॉम द एग्जामिनर टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड एटम. उसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ, राइट. थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम. आगे जाके हम बात करेंगे कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं, और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं, इट्स नॉट ईजी आस्क.
क्योंकि थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसको भी हमें. और उसके बाद है मेटालिक सॉलिड्स, उसके बाद है कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ मेटालिक सॉलिड्स, और फिर मैं आपको कुछ पैकिंग वगैरह के बारे में बताऊंगा कि जो मेटालिक सॉलिड्स हैं ये पैक कैसे होते हैं. सो टिल देन थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम.